जय जाट। सभी जाट भाइयों को नमस्कार। जैसे कि जानते हैं आप लोग कि हम उन जाट भाइयों की हिस्ट्री लेके आते हैं, गोत्रों की, गांव की, जो कि हमारी जाटों की हिस्ट्री है, धरोहर है। और आज हम ऐसी श्रृंखला में एक ऐसे व्यक्ति की हिस्ट्री लेके आए हैं, उनका जन्म परिचय पूरा, जिन्होंने ना केवल जाटों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, परंतु एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जिसका हिस्ट्री में गर्व हमेशा रहेगा। उन व्यक्ति का नाम है सतपाल मलिक जी। सतपाल मलिक का जन्म एक साधारण किसान परिवार में 24 जुलाई 1946 को गांव हिसावड़ा, जिला बागपत, जो कि पुराना मेरठ हुआ करते थे, में हुआ। उनके पिता का नाम बुद्ध सिंह जी था, माता का नाम जगबीर कौर, जुगानी देवी के नाम से उनको जाना जाता था। लगभग 1.5 साल की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया था। पड़ोस के कस्बे अमीन नगर सराय में उनकी प्राइमरी शिक्षा हुई, फिर डिकोली गांव में उन्होंने इंटर किया और 12वीं उन्होंने जो कॉलेज है वो मेरठ से की, बीएससी जो उन्होंने 1967 में की, एलएलबी जो करी 1970 में पास करी। इनका जो राजनीतिक कैरियर वो इस प्रकार है, जो उन्होंने राजनीति में पहली बार ये 1968 में छात्र संघ का इन्होंने चुनाव लड़ा, दो बार ये छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। वे राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से प्रेरित होकर राजनीति में आए थे। इनका वह श्रीमती इकबाल मलिक, जो कि प्रसिद्ध प्रयाणवासी, मतलब ये हैं चौदह दिसंबर 1970 को इनका जो विवाह हुआ था। इनके पुत्र कबीर जो है, देव कबीर, ये प्रसिद्ध ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से इनका डिप्लोमा प्राप्त किया। इनकी जो पुत्रवधी श्रीमती चंद्रा, निवेदिता चंद्रा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातक है। श्री सतपाल मलिक को इतिहास, मतलब हिस्ट्री जानने का बहुत शौक है, ये पढ़ते हैं, काफ़ी रुचि रखते हैं। इनको कभी कभी फोटोग्राफी का भी इनका जो है एक शौक रहा है। इनको आपको बता दें कि सतपाल मलिक के पूर्वज लगभग 250 साल पहले, मतलब 10 पीढ़ी पहले, कल्हावड़ जो कि गांव है रोहतक में, वहां से उत्तर प्रदेश में आकर बस गए थे। गांव कल्हावड़ में आज भी इनके पैतृक जो है, मतलब वंशज इनके भाई वगैरह वहाँ निवास करते हैं। आज के समय सतपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी में है। ये इनका जो कैरियर है वो समय के अनुसार उतार चढ़ाव के साथ बदलता रहा। इनका जो पॉलिटिकल कैरियर, उसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1974 या 1974 में पहली बार बागपत विधानसभा में चुनाव जीता था। उस समय चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल से उम्मीदवार बने थे। ये दो बार रहे यहाँ पर, फिर दो बार सांसद भी रहे, 1980 से 1986 तक जनता दल से, फिर 1986 से 1992 तक दो बार ही जनता दल से रहे। पहली बार इन्हें चौधरी चरण सिंह ने अपनी पार्टी में, पार्टी से राज्यसभा में भेजा, दूसरी बार राजीव गांधी ने कांग्रेस से इनको राज्यसभा में पहुंचाया। 1987 में बोफोर्स घोटाले के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। 1987 में इन्होंने कांग्रेस छोड़कर जनता दल का दामन थाम लिया। 1989 में जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते भी। 1990 में इन्हें केंद्र सरकार में पर्यटन और संसदीय राज्य मंत्री बनाया गया। 21 अप्रैल 1990 से 10 नवंबर 1990 तक वे इस पद पर रहे, पर आप जानते जैसे ही सरकार गिर गई थी। 1996 में मुलायम सिंह की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मुलायम सिंह ने इन्हें सापा का महासचिव बनाया और 1996 में लोकसभा चुनाव इन्होंने अलीगढ़ से लड़ा, लेकिन ये उस दुर्भाग्य से उस समय हार गए थे। 2004 में ये भाजपा में शामिल हो गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में बागपत से चुनाव लड़े, हालांकि अजीत सिंह के खिलाफ हारना था इनको, जैसे कि आप जानते हैं अजीत सिंह बहुत बड़े नेता हैं, ये हार गए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह बने, तो इन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया।
वर्ष 2017 में ये बिहार के राज्यपाल बने, 18 में उड़ीसा के 2 महीने अंतरिम गवर्नर रहे, 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने। देखिए ये था इनका ऐतिहासिक जीवन का सबसे बड़ा, इन्हीं के ऑर्डर और इन्हीं के अगुवाई में जम्मू कश्मीर की जो कि स्थिति खराब थी 51 साल से, 50-55 साल से, उसको स्टेट का दर्जा मिला। और इनके टाइम पे 270 जो धारा कश्मीर से हटी वो इन्हीं के देखरेख में हटाई गई थी। हाल में ये गोवा के उपराज्यपाल हैं और जो है इन्होंने आप गोवा के राज्यपाल होते हुए ये बार बार जाटों के जितने भी फंक्शंस होते हैं में आते हैं, जाटों भाइयों का मनोबल बढ़ाते हैं और उनको कहते हैं कि आप बढ़िया काम करो, मैं आपके साथ हूँ। इसी के साथ तहे दिल से धन्यवाद करता हुआ सतपाल मलिक जी का, जय जाट।